हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले का आखिरी स्मैकडाउन तो होने वाला है, साथ ही साथ इस वीक का स्मैकडाउन पहली बार हमें देखने को मिलने वाला है सऊदी अरेबिया से, यानी कि यहां पर होने वाली है कई सारी बड़ी चीजें और WWE ने ऑलरेडी काफी कुछ कर दिया है ऑफिशियल। एंड आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में होने वाले रिटर्न से भी जुड़ी मेरे पास एक काफी बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले इस वीक के स्मैकडाउन से कर लेते हैं शुरुआत। देन सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस टामा टोंगा के बीच। एंड यहां पर जो भी जीतेगा वो पहुंच जाएगा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स में। जैसा कि आप सब जानते ही हो, गुंथर ऑलरेडी जेउसो को हराकर पहुंच चुके हैं फाइनल्स में। एंड सभी यही जानना चाहते हैं कि अब कौन जाने वाला है गुंथर के अगेंस्ट। अगर जेउसो जीतते तब तो ऑब्वियस ही था कि टामा टोंगा ही जाने वाले उनके अगेंस्ट, लेकिन अब डेफिनेटली से चांसेस बढ़ चुके हैं रैंडी ऑर्टन के, यानी कि वो हमें हराते हुए दिख सकते हैं टामा टोंगा को और जाते हुए दिख सकते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार रैंडी ऑर्टन अगर जीतते हैं टामा टोंगा के अगेंस्ट तो वो किस तरह से जीतते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा कि रिटर्न से भी जुड़ी मेरे पास अपडेट है तो उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल वो है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल बियांका बेलेर वर्सेस नाया जैक्स के बीच। जैसा कि रॉ में ऑलरेडी लायरा वैलकेरिया इयो स्काई को हराकर पहुंच चुकी है फाइनल में, एंड अब उनके सामने या तो बियांका बेलेर आने वाली है या फिर आने वाली है नाया जैक्स। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, लास्ट स्मैकडाउन में जेड कारगिल एंड नाया जैक्स का मैच हमें देखने को मिला था, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन से जीत होती है नाया जैक्स की बिकॉज जेड कारगिल चेयर का यूज कर लेती है। तो गाइस, इसके चांसेस अच्छे खासे है कि यहां पर भी आप सबको जेड कारगिल की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, जो कि आकर हेल्प कर सकती है बियांका बेलेर को इस मैच को जीतने में। यानी कि बियांका बेलेर जाने वाली है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में, इसके चांसेस अच्छे खासे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल वो है बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच। तो इनका लास्ट वीक बैकस्टेज हमें सेगमेंट देखने को मिला था जिसके बाद ये मैच होते हुए दिखा ऑफिशियल। ज्यादा चांसेस यहाँ पर बेली के जीतने के ही है। एंड यस, अभी बेली के सामने कोई भी न्यू चैलेंजर नहीं आ रहा है उनकी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। लेट्स सी कि क्या इस वीक के स्मैकडाउन से उनकी कोई हमें प्रॉपर फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखती है या फिर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए लोगन पॉल एंड कोडी रोड्स के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें इनके विनर टेक्स ऑल मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाला था, बट लोगन पॉल ने कर दिया स्कैम, यानी कि उन्होंने अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं रखी और ये मैच अब सिर्फ होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। और जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो निक एल्डिस को बैकस्टेज भेज दिया था कोडी रोड्स ने और उसके बाद उन्होंने गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और सभी पर कर दिया अटैक, तो इस वीक के स्मैकडाउन में निक एल्डिस का हमें गुस्सा देखने को मिल सकता है, यानी कि इस पर हमें वो कुछ एक्शन लेते हुए दिख सकते हैं। बट हाँ, जो भी हो, ये मैच अब विनर टेक्स ऑल तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, जब इस वीक का स्मैकडाउन सऊदी अरेबिया से ही होने वाला है और ये होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से पहले का आखिरी स्मैकडाउन, सो अगेन हमें लोगन पॉल एंड कोडी रोड्स आते हुए दिख सकते हैं आमने सामने। लास्ट वीक तो कोडी रोड्स को अपर हैंड मिला था, मे भी हो सकता है इस वीक लोगन पॉल हमें कोडी रोड्स पर अटैक करते हुए दिख जाए एंड ये बता दे कि वो बनने वाले डुअल चैंपियन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में। सो गाइस, ये तो थे वो चीजें जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हमें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में कौन सा मैच देखने को मिलेगा वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। और फाइनली बात कर ली जाए सऊदी अरेबिया में होने वाले एक रिटर्न के बारे में। तो आप सभी को पता ही है, इस साल का इवेंट जो सऊदी में हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट हो रहा है बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे सुपरस्टार मिसिंग है जिसकी सऊदी लगातार करती है डिमांड, यानी कि वो रोमन रेंस को करते हैं डिमांड, वो हमें शो पर देखने को नहीं मिल रहे, सेथ रॉलिंस देखने को नहीं मिल रहे, ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिल रहे। और अगर आप सबने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि WWE चाहती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट हमें एक्सटेंड करते हुए दिखे सऊदी अरेबिया के साथ, और वो एक्सटेंड तभी कर पाएगी जब सऊदी अरेबिया को वो चीजें मिले जो कि वो करे डिमांड। इसलिए गाइस, एक्सपेक्टेड है कि सऊदी अरेबिया में आप सबको कोई ना कोई तो रिटर्न देखने को मिलने वाला है, भले वो इस वीक के स्मैकडाउन में हो सकता है या फिर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में हो सकता है। और अगर किसी मैच में रिटर्न होने के ज्यादा चांसेस है तो वो आप सभी को पता ही है, वो मैच है रैंडी ऑर्टन वर्सेस टामा टोंगा का मैच, बिकॉज वहां पर ब्लड लाइन पूरी तरह से हेल्प करने वाली है टामा टोंगा को उस मैच को जीतने में। सो ब्लड लाइन के अगेंस्ट हमें कोई ना कोई एक तरह से आते हुए दिख सकता है। और जो दो तीन नाम सबसे टॉप पर चल रहे हैं वो है केविन ओवेंस का नेम, जिमी उसो का नेम एंड है रोमन रेंस का नेम, जिनमें से सबसे कम चांसेस रोमन रेंस के ही है, उसके बाद थोड़े ज्यादा चांसेस जिमी उसो के है बिकॉज उन्हें ही बाहर किया था इस न्यू ब्लड लाइन ने। एंड सबसे ज्यादा चांसेस है केविन ओवेंस के बिकॉज बैकलैश में ब्लड लाइन से हारने के बाद वो हमें WWE में देखने को नहीं मिले। इसलिए लेट्स सी कि अगर रैंडी ऑर्टन जीतने वाले तो कौन करता है उनकी हेल्प ब्लड लाइन के अगेंस्ट। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बता रहे हैं कि अगर सऊदी में हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है तो आपको क्या लगता है, वो रिटर्न किसका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।